रूबीना महक और आप देख रहे हैं इस वक्त की खबर। अज्ञात कारणों के चलते टेंट गोदाम में लग गई आग। जसपुर कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत कासमपुर मोड़ के पास की घटना है, जहां सुबह एक टेंट हाउस में अज्ञात कारणों के चलते आग लग गई, जिसकी सूचना दमकल विभाग को दे दी गई। दमकल विभाग की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आपको बता दें, उधम सिंह नगर के जसपुर के कासमपुर मोड़ पर स्थित हिमालय टेंट हाउस के गोदाम में आग लग गई। आग लगने से लाखों का सामान जलकर राख हो गया, वहीं गोदाम भी पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। गनीमत ये रही कि किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। वहीं सूचना दमकल विभाग को दी गई। दमकल विभाग ने मौके पर पहुंचकर कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। दमकल विभाग के अधिकारी श्याम बहादुर थापा ने बताया कि हिमालय टेंट हाउस में आग लगी थी, लेकिन आग लगने के कारणों का अभी तक कुछ भी पता नहीं चल पाया है। गोदाम पूरा बंद है। अनुमान ये लगाया गया है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी होगी। 9 कर्मचारी आग बुझाने में लगे हुए थे और जनता का भी सहयोग रहा और दमकल विभाग की 2 गाड़ियां मौके पर लगी और आग पर काबू पा लिया गया। वहीं जांच के बाद ही कारणों का पता चल पाएगा। आपकी वजह से भूल गया ना। अभी तो देखा मैंने ना, मैं तो आ जाता तभी यार, मैं मेरे सामने ही है मेरे को इसकी गाड़ी। तो ये हिमालय टेंट हाउस में आग लगी थी, लेकिन अभी ये मालूम चल पा रहा है कि कितना किस कारण से आग लगी, लेकिन क्योंकि टेंट हाउस पूरा गोदाम पूरा बंद था तो शंका यही है कि शॉर्ट सर्किट के द्वारा ही आग लगी होगी। इस समय गर्मी भी ज़्यादा है तो शॉर्ट सर्किट हो सकता है कि हम ये आइडिया लगा रहे हैं, लेकिन अभी जाँच के बाद आगे बताया जाएगा। हमारे 8-9 कर्मचारी लगे हुए थे और चारों तरफ से उन्होंने बहुत मेहनत करी है, बहुत मेहनत में लगे रहे और ये तो सब आप भी जान रहे थे, आप भी देख ही रहे थे। सभी कर्मचारियों ने बहुत मेहनत से आग को काबू किया। दमकल विभाग की यहाँ पर 2 गाड़ी लगी है, एक छोटी मिनी हाई प्रेशर और बड़ी गाड़ी लगी थी आग, वाटर टेंडर करके आग बुझाया और जनता का भी सहयोग रहा। नींद में खर्राटे लेने के आरोप में पुलिस ने युवक को पकड़ कर थाने ले आई। उधम सिंह नगर पुलिस का एक और हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जिसे सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। क्या है पूरा मामला, देखें हमारी इस खबर में। रुद्रपुर उधम सिंह नगर में क्राइम का एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसे सुनकर हर कोई व्यक्ति हैरान है। दरअसल ये एक ऐसा अपराध था कि पुलिस को भी अपराधी को पकड़ने के लिए बार बार सोचना पड़ा और जब अपराधी को पकड़कर थाने ले गए तो शिकायतकर्ता और आरोपी के बीच में जमकर विवाद हो गया। जिस अपराध के लिए शिकायत की गई और जिसके लिए पुलिस आरोपी को पकड़ कर ले गई, दरअसल वो अपराध सुनकर आप भी चकित रह जाएंगे। यूं तो उधम सिंह नगर पुलिस जनपद में अपराध के रोकथाम के साथ नशे के खिलाफ भी जमकर अपनी मुहिम चला रही है और अपराध पर नियंत्रण करने के लिए ठोस कदम भी उठा रही है, लेकिन कई बार जिले की पुलिस की कार्यशैली सवालों के निशान में घिरती रही है। ताजा मामला रुद्रपुर के ट्रांजिट कैंप थाने का है, जहां पड़ोस के एक व्यक्ति ने देर रात पुलिस को 112 पर फोन कर शिकायत की। उसकी शिकायत सुनकर पुलिस मौके पर पहुंच गई और शिकायत के आधार पर शिकायतकर्ता के पड़ोसी को हिरासत में ले लिया और थाने ले गई, जहां शिकायतकर्ता और आरोपी के बीच दोनों में जमकर विवाद हुआ। दरअसल जो शिकायत की गई थी वो बेहद ही चौंका देने वाली है। शिकायतकर्ता नोनी बरवन निवासी आजाद नगर वार्ड नंबर 4 ट्रांजिट कैंप ने पुलिस को फोन करके बताया कि उसका पड़ोसी अक्षय मिस्त्री सोते समय जोर जोर से खर्राटे ले रहा है, जिसकी वजह से उसकी नींद खराब हो रही है। बस फिर क्या था, पुलिस भी पहुंच गई, शिकायत के आधार पर नींद में सोए व्यक्ति को उठाकर थाने ले गई। देर रात दोनों ही पक्षों को समझा बुझाने के बाद घर भेजा गया। इस मामले में रुद्रपुर एसपी सिटी निहारिका तोमर का कहना है कि देर रात फोन पर पड़ोसी के द्वारा तेज तेज खर्राटे लेने की सूचना के बाद ही पुलिस हरकत में आई और मौके पर पहुंचकर दोनों पक्षों को थाने लाकर समझाया गया, जिसके बाद दोनों को घर भेज दिया गया। फिलहाल ये मामला शहर भर में चर्चा का विषय बना हुआ है। मेरा नाम है अक्षय मिस्त्री, मैं आजाद नगर 4 नंबर वार्ड पे रहता हूँ। मैं रात को अपने काम बंद करके 11 बजे करीब अपने घर पे आया
और उसके बाद जो सामने मेरा पड़ोसी है उन्होंने कंप्लेन की कि मैं खराटे लेता हूँ ये सब के चक्कर में, मुझे पुलिस कल रात को लेके चली गई। तो वह समझा तो हुआ सर, अब मैं खराटे लेने अगर दिक्कत है तो बताइए, मैं अपने रात को सो रहा हूँ काम करके आके, मैं सोते ही जैसे ही सो रहा हूँ तो मुझे थोड़ा पता चल रहा है कि मैं खराटे ले रहा हूँ, तो आपस जो सामने पड़ोसी है उनको बहुत प्रॉब्लम हो रही है मेरे से। अच्छा, इसी वजह से उन्होंने कंप्लेन किया कि बंदा खराटे ले रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, मेरे से फालतू की मेरे बारे में इधर उधर दोस्त लोगों को बताना। क्या बताते हैं? बताते हैं कि ये सुअर है, खराटे लेता है ये वो। अच्छा, इस तरीके से अगर बोला जाएगा तो हम क्या चुप रहेंगे? हम भी तो थोड़ा बहुत बोल दिया उनको। अब बोलते ही उन्होंने 112 पे फ़ोन किया, 112 पे फ़ोन करते ही फिर पुलिस आई। पुलिस आने के बाद मेरे से पूछा गया कि आप कौन, आप अक्षय कौन है, खराटे आप लेते हो? मैंने हाँ दादा। तो मेरे को बुलाया गया उनके घर पर ही, वहाँ पर मैंने बताया गया कि ऐसी बात है घटना कि मैं खराटे लेता हूँ, इसी वजह से इनको प्रॉब्लम हो रही है। तो उसी बेस पे जो आए थे कॉन्स्टेबल सर, उन्होंने दोनों को ही कोतवाली ले गए अपने साथ में। फिर क्या हुआ वहाँ पे? कोतवाली में लेके फिर हमने भी वो चीज़ समझौता रखा कि ऐसी सी बात है, तो सब बोल रहे कि ये तो गलत है, तो आप इसमें कोई केस नहीं बनेगा और आप इनको परेशान ना करें। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है अक्षय मिस्त्री। क्या मामला था पूरा? कल रात को 112 डायल पर हमें एक सूचना प्राप्त हुई थी जिसमें एक आदमी ने आरोप लगाया था कि उसके जो पड़ोसी हैं उसके द्वारा ज़ोर ज़ोर से खराटे लिए जा रहे हैं, क्योंकि हम हर 112 सूचना को इक्वल इम्पोर्टेंस देते हैं, तो और हमारा रिस्पांस टाइम भी काफ़ी अच्छा है। तो हमारी पुलिस मौके पर पहुंची, मौके पर ये पाया गया कि वहाँ पर दो पक्ष थे जिनके आपस में बीच लड़ाई चल रही थी और गाली गलौज कर रहे थे। जब उनसे उक्त सूचना के बारे में जानकारी दी गई तो ये पता चला, क्योंकि उनका मन मुटाव आपस में रहता है, तो उनके द्वारा एक गलत सूचना दी गई। पुलिस कर्मियों ने मौके पर जाकर जो दोनों पक्ष थे उन दोनों के खिलाफ कार्रवाई करके उनको थाने में लाया गया और उनके खिलाफ उपबीट सूचना दर्ज की गई, जिसकी जांच एक ASI द्वारा की जा रही है, और जो भी उपबीट सूचना की जांच आई उसके ऊपर उक्त कार्रवाई की जाएगी।